कि हम लोगों को सामने लाने के बाद कि ये COVID-19 एक हंसी मजाक की चीज़ नहीं है, ये बहुत ही सीरियस मर्ज है जो लोगों को मार रहा है और जो बहुत ही कंटेजियस है और जिसकी कोई भी तरह की ट्रीटमेंट नहीं है। तो इससे बचाना, अपने आप को बचाना, एहतियात करना, दूसरों को, बच्चों को बचाना, बुजुर्गों को बचाना, क्योंकि अगर हम नहीं ये करेंगे तो हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। और फिर हमने ये भी बात की कि आवाम भी को समझना चाहिए कि वो उनकी भी कुछ जिम्मेदारी है, यकीनन हुकूमत की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, साथ साथ आपकी और हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम ये प्रिकॉशंस लें, हम मास्क पहने, हम ग्लव्स पहने, हम दूरी अख्तियार करें और हम अपने हाथ साबुन से धोए और एहतियात करें। और ये कि अभी कोई ज़रूरी नहीं है कि सब लोग बाज़ारों में निकल जाएं और खूब खरीदारी करें, ये लॉकडाउन हम समझते हैं कि अगले 2 महीने तक कंटिन्यू होना चाहिए। और क्योंकि हमारे यहाँ जब लॉकडाउन को लर्न किया जाता है तो इसका मतलब आम लोग समझते हैं कि अच्छा अब तो आज़ादी है, जो मर्जी आए करो, तो ये आज़ादी नहीं, आपको एहतियात करना चाहिए।